Assalamu alaikum class. Today our topic is infinite series. जैसे कि last lecture में हम लोगों ने infinite series के about पढ़ा था, series की convergence, divergence के about पढ़ा था. इसी को थोड़ा सा go through करते हैं कि infinite series हमारे पास क्या है, कि let a n be a sequence, an expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus up to so on a n plus up to so on. ये देखें कि अगर मेरे पास कोई भी सीरीज है ए वन प्लस ए टू, सीरीज बेसिकली हमारे पास है क्या, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए वन ए टू ए थ्री, अगर मैं इनको इस तरह से लिख दूं तो ये मेरे पास सीरीज है. अब जबकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो इट्स मीन कि आप लोग इसे कहेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज. कोई भी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट हैं तो उसे फाइनाइट सीरीज कहेंगे. अगर आप लोगों के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इट्स मीन उसे इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं कि इस सीक्वेंस को हम जनरल फॉर्म में एक एन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन नंबर वन को लिखने के और भी मेथड्स हैं, लाइक सबमिशन में. सबमिशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि कुछ भी टर्म्स के सम को हम सबमिशन में लिखते हैं, जिस तरह से सबमिशन एन इज इक्वल वन टू इन्फिनिटी ए एन. अब एन को अगर हम नंबर्स असाइन करते जाएंगे प्लस सम में इसको लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन जनरेट होगी. नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन और सिंपली सिग्मा ए एन. नेक्स्ट हम देखते हैं आपके एस एन हमारे पास क्या है. लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज. इक्वेशन नंबर वन में जितनी टर्म्स हैं उनके सम को डिनोट कर रहे हैं हम, एंथ टर्म के सम को डिनोट कर रहे हैं एस एन से, जिसमें एस वन हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म होगी, एस टू फर्स्ट टू टर्म्स का सम होगा, एस थ्री फर्स्ट थ्री टर्म्स का, अप टू सो ऑन. इसी तरह से एस एन इज इक्वल फर्स्ट एंथ टर्म का सम को हम डिनोट करेंगे एस एन से. एस एन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंथ पार्शियल सम ऑफ सीरीज है. जिस तरह से सीरीज हमारे पास थी सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन, इसी तरह से हमारे पास एंथ पार्शियल सम, फर्स्ट एंथ टर्म के सम को हम कहते हैं एस एन. नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन. इफ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जिस टू द लिमिट एस, देन सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन इज सेट टू कन्वर्ज एंड एस इज कॉल्ड द सम ऑफ सीरीज. इन दिस केस वी राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी यहां पे हमें ये कह रहे हैं कि अगर एस एन हमारे पास किसी भी सीरीज का सम है तो इफ ये सीक्वेंस एस एन, अगर ये सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज करेगी किसी भी लिमिट पे तो हम कहेंगे कि वो सीरीज वन टू इन्फिनिटी ए एन भी कन्वर्ज करेगी. दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अगर हमारे पास एस एन डिनोट कर रहा है किसी भी सीरीज के सम को तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस एस एन किसी भी एक नंबर पे किसी भी एक लिमिट को अप्रोच करे कन्वर्ज करे तो हम कहेंगे कि वो सीरीज भी हमारे पास कन्वर्ज करेगी. जैसे कि मैं लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन ये अप्रोच कर रहा है किसी भी एक फाइनाइट नंबर किसी भी लिमिट को अप्रोच कर रहा है तो इट्स मीन ये कन्वर्ज करेगी. अगर आपके पास ये सीरीज डाइवर्ज करेगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन सीरीज भी डाइवर्ज करेगी. अब हम एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल थ्री ओवर टेन प्लस थ्री ओवर टेन स्क्वायर प्लस थ्री ओवर टेन क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. जिस तरह से सोल्यूशन में अब एस एन हमारे पास होगा कि इसकी एंथ टर्म हमारे पास होगी थ्री ओवर टेन प्लस थ्री ओवर टेन स्क्वायर प्लस थ्री ओवर टेन क्यूब. अब जैसे कि थ्री ओवर टेन सब में कॉमन है और टेन की पावर्स हमारे पास इंक्रीज हो रही है वन बाय वन, तो हम इसकी एंथ टर्म को लिख सकते हैं थ्री ओवर टेन की पावर है हमारे पास एन. अब बेसिकली ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है. ज्योमेट्रिक सीरीज में देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास है थ्री ओवर टेन, जो इसकी रेशियो है वो है वन ओवर टेन. नेक्स्ट आप सबको पता होगा इस फार्मूले का कि आपके पास ए वन माइनस आर
जी हमारे पास है 3/10, 1 - 1/10 ओवर 1 - 1/10। अब जिस तरह के हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूले का पता है, ए इंटू 1 - r की पावर एन ओवर 1 - r, इसी तरह से ए जिस तरह के डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, तो 3/10 1 - r की पावर एन। तो आर हमारे पास क्या है कि इनकी रेशियो, जो कि रेशियो आ रही है 1/10, 1/10 to raise bar n, तो 1/10 की पावर n आ जाएगा ओवर 1 - r 1/10। अब देखें कि यहाँ पे इज इक्वल, जब 3/10 1 - 1/10 इसके एलसीएम को लेके आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 1/3 into 1 - 1/10 to raise bar n। अब हमारे पास जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगी तो 1/3 1 - 10 1/10 to raise bar n इज इक्वल 1/3। अब 1/3 हमारे पास किस तरह से आएगा कि जब ये n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो r अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो 1 से, उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो इट्स मीन कि ये हमें इन्फिनिटी ही देगा। तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो 1/3 हमारे पास आ गया। जिस तरह से देखें, सिंस 1/10 to raise bar n अप्रोच कर रहा है 0 को, अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो देन हमारे पास जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ट सॉरी अप्रोच कर रही है 1/3 पे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक कन्वर्जेंस सीरीज है, ये हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज को ये थ्योरम हम देखते हैं, जिससे प्रीवियस एग्जांपल को हम लोगों ने देखा, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + r + r² + r³ अप टू सो ऑन इज कन्वर्जेंट इफ आर मॉड लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑसिलेटरी इफ आर लेस देन और इक्वल -1। जी तो देखें कि अब हम इनको प्रूफ करेंगे इसको एस एन। अब देखें कि जिस तरह से हमारे पास 1/3 लेस देन 1 था, तो हमने कहा कि हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। जी अब ये देखें कि हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ हमारे पास है द ज्योमेट्रिक सीरीज, अच्छा प्रूफ हमारे पास है, हमारे पास एस एन इज इक्वल 1 + r + r² + r³ अप टू सो ऑन आर की पावर हमारे पास है n-1। आर की पावर एन भी लिख सकते हैं जी। केस हमारे पास है इफ आर मॉड लेस देन 1, तो आर मॉड लेस देन 1 के लिए हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है 1 - r पावर n ओवर 1 - r। इसके साथ में ए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई भी होगी, जबकि फर्स्ट टर्म हमारे पास इस सीरीज में 1 है, तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास हमेशा वो नंबर इटसेल्फ आएगा, तो 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। अब हम लिमिट को अप्रोच करवाएंगे, n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो लिमिट जब अप्रोच करेगी तो डेफिनेटली मैं इसको लिख सकती हूँ 1/(1 - r) - rn/(1 - r)। जिस तरह से इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास अगेन टर्म आएगी यही। तो इस तरह से अब हमारे पास जब लिमिट को अप्रोच करवाया, तो देखें कि यहाँ पे हमारे पास सिंस लिमिट आर की पावर एन इज इक्वल 0 इफ आर मॉड लेस देन 1, हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर हमारे पास आर मॉड जो है वो लेस देन हो 1 से और लिमिट अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो आर की कोई भी पावर एंथ टाइम पावर इज इक्वल होगी 0 के। तो देखें जब आर की पावर एन हमारे पास 0 है, तो ये मेरे पास पूरी टर्म अप्रोच कर गई 0 को, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 1/(1 - r), जो कि मेरे पास कोई फाइनाइट नंबर है, तो इट्स मीन कि सीरीज कन्वर्ज करेगी। जी नेक्स्ट केस हमारे पास है इफ आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास सेकेंड केस जो था वो है आर ग्रेटर देन 1 के लिए और आर इक्वल टू 1 के लिए। जी तो नेक्स्ट बी पार्ट का हम प्रूफ देखेंगे कि हमारे पास अगर आर इक्वल टू 1 हो और अगर आर ग्रेटर 1 हो, क्योंकि दोनों केस को हम सेपरेट सेपरेट प्रूफ के लिए डिस्कस करेंगे। जी तो अगर r की जगह पे 1 रखें तो हमारे पास सीरीज जो है वो बनेगी 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन n टाइम्स। इट्स मीन के मेरे पास nth पावर जो है, nth सम ऑफ सीरीज है, जो नंबर वो आएगा n, जब लिमिट अप्रोच करेंगे तो वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, जो के डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट बी पार्ट है आर ग्रेटर
देन वन। तो देखें आर ग्रेटर देन वन के लिए सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमारे पास nth टाइम के लिए ये फार्मूला है, आर की पावर एन वन माइनस वन ओवर वन माइनस आर। सेम सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एन ओवर आर माइनस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। जब इस टर्म का एलसीएम लिया जाए तो मेरे पास अगेन यही टर्म आएगी जी। तो इधर भी हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे, तो लिमिट जब अप्रोच की तो यहाँ पे देखें कि r ग्रेटर देन 1, 1 से r ग्रेटर हो और उसकी nth पावर पे जब n अप्रोच टू इनफाइनाइट टाइम्स लिमिट अप्रोच करवाई जाए तो वो इज इक्वल होती है इन्फिनिटी के जी। तो नेक्स्ट देखें कि हमारे पास सिंस लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल इन्फिनिटी इफ r ग्रेटर देन 1, तो सो हमारे पास ये सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट जी। अब केस थर्ड को डिस्कस करेंगे। केस थर्ड हमारे पास था ऑसिलेटरी इफ आर लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव वन जी। तो केस थ्री में अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर इज इक्वल नेगेटिव वन के लिए, देन हम डिस्कस करेंगे आर लेस देन वन के लिए जी। तो हमारे पास सीरीज थी वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। तो जब हम लोग अप्रोच करेंगे आर इज इक्वल टू नेगेटिव वन पे, आर को पुट करूंगी मैं आर इज इक्वल नेगेटिव वन, तो डेफिनेटली मेरे पास सीरीज बनेगी वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। अब ये देखें कि अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा जीरो। इट्स मीन या फोर टर्म्स को या सिक्स टर्म्स को एट टर्म्स को, मतलब कि जब हम कितनी भी इवन नंबर्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर में मिलेगा जीरो। अगर हम एन ऑड हो हमारे पास वन थ्री फाइव टाइम सेवन टाइम नाइन टाइम, जब जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो आंसर हमें मिलेगा वन। इट्स मीन के हमारे पास कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं आ रही आर इज इक्वल नेगेटिव वन के लिए, सो ये सीरीज जो है वो ऑसिलेटरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर लेस देन नेगेटिव वन, सॉरी ये नेगेटिव वन है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू नेगेटिव टी जी। आर लेस देन नेगेटिव वन के लिए जब करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि आर हमारे पास जो है वो कोई नेगेटिव पी नंबर है। पी कोई भी नेगेटिव वन हो सकता है, नेगेटिव टू हो सकता है, नेगेटिव थ्री, मतलब के कोई भी लेस नंबर जी। तो अब ये देखें कि हमारे पास नेगेटिव वन से कोई भी लेस नंबर जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव पी से हम लोगों ने इसको डिनोट किया है। तो आर की पावर एन जब लेंगे तो इज इक्वल नेगेटिव वन, नेगेटिव वन की पावर भी एन आएगा और पी की पावर भी एन आएगा। तो अब हमारे पास एस एन इज इक्वल टू वन नेगेटिव आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर इज इक्वल। अब ये देखें कि आर की पावर एन की वैल्यू जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट की तो सेम नेगेटिव वन की पावर एन जो है उसके ऊपर ये केस अगेन इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर n ऑड होगा तो हमारे पास नेगेटिव वन आएगा और अगर हमारे पास n पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव वन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे भी जो लिमिट है वो ऑसिलेट कर रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये सीरीज r लेस देन और इक्वल नेगेटिव वन के लिए ऑसिलेटरी है जी। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की। अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस अप टू सो ऑन, तो r हमारे पास यहाँ पे रेशियो होगी 1 ओवर 2 नेगेटिव सॉरी ओवर 1 इज इक्वल 1 बाय 2। सिंस सीरीज हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है तो डेफिनेटली r का मॉड जो है वो हमारे पास 1 बाय 2 लेस देन 1 है, तो इट्स मीन कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर नेगेटिव 1 बाय 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो r इज इक्वल हमारे पास इसकी रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव 1 बाय 3। तो r जब नेगेटिव 1 बाय 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट होगी और 1 बाय 3 लेस देन 1, इट्स मीन ये सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट देखें कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी रेशियो हमारे पास है 2, तो डेफिनेटली 2 इज ग्रेटर देन 1, इट्स मीन कि ये डाइवर्ज करेगी जी। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई हो। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज पार्शियल सम
और ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी और ऑसिलेट कब करेगी, और उस थ्योरम का हम लोगों ने प्रूफ भी देखा है जी। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।